ग्लोबल समिट का आगाज हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी GIS यानी कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तर प्रदेश को $1 trillion की इकोनॉमी बनाना है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है उसी को आगे गति देते हुए यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आप व्यवस्था यहां पर देखेंगे तो देखिए ये ऐसे बड़ी बड़ी LED स्क्रीन यहां पर लगाई गई है जिसमें ये MSME कैपिटल ऑफ इंडिया पूरे आंकड़ों के साथ, ताकि यहां पर जो डेलीगेट्स पहुंचे हुए हैं उनको आसानी हो। और ऐसे अलग अलग इलाकों में इस तरह की LED स्क्रीन लगाई गई है जिसमें ये 10 से 12 फरवरी तक यानी कि 3 दिन तक जो निवेश का महामेला है उसमें क्या क्या खासियत है और यूपी में जो उद्योग धंधे स्थापित होंगे, जो स्टार्टअप स्थापित होंगे उसके लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी तरफ यहां पर आप RAF के इन जवानों को देख पा रहे हैं। दरअसल यहां पर सुरक्षा पुख्ता की गई है क्योंकि पीएम मोदी पहुंचे हैं। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। तो RAF के साथ साथ पुलिस की मौजूदगी भी है और यहां पर किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है, जो आयोजन से जुड़े हुए लोग हैं वो ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये इन्वेस्टर समिट इसलिए खास हो जाती है कि यहाँ पर निवेशकों को ये बताने की कोशिश है कि कैसे यूपी निवेश के लिहाज से उनकी पसंदीदा जगह हो सकती है। दरअसल यहाँ पर देश की संस्कृति से जो तमाम विदेशी मेहमान मौजूद हैं उनको रूबरू करवाने की कोशिश की गई है। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे महर्षि वाल्मीकि की ये जो मूर्ति बनाई गई है, क्योंकि इतिहास को वर्तमान में ऐसे संजोने की कोशिश की गई है कि भव्यता भी बनी रहे और उसका मतलब भी ना, यानी कि भाव भी ना बदले। दरअसल महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी और लखनऊ में बैठे बैठे यहाँ पर बैठे बैठे विदेशी मेहमान अयोध्या के भी दर्शन कर ले, इसकी भी पूरी तैयारी की गई है। अयोध्या जो कि भगवान राम की नगरी है और लखनऊ जिसको भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को सौंपा था। वैसे भी लखनऊ अपनी तहजीब के लिए, मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, तो निवेश तो है, निवेश के साथ साथ धार्मिक और आस्था का समागम, ये जो अनूठा मिलन है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर निवेशक पहुंचे हैं स्टार्टअप्स के लिए और जिससे यूपी में नौकरियां आएंगी, लेकिन कैसे फायदा होगा ये भी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो आज मेन आकर्षण है इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। ये देखिए ये पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ये भी आज इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले हैं। शाम में अमित शाह का संबोधन होगा 4 बजे के आसपास, उसका संबोधन होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद हैं और जो देश के तमाम बड़े उद्योगपति हैं जिनका अहम योगदान है और किस तरीके से रियायतें उनको मिल सकती है ये भी बताने की इसमें कोशिश की गई है। क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश यानी कि जो उत्तम प्रदेश बना है अब उसको सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश है। अब आप देखेंगे वो वाला, अगर हम आपको ये पोस्टर दिखाएं, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर, कि कैसे देश आत्मनिर्भर बन रहा है, देश मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राज्यों की अहम भूमिका होती है। राज्य कैसे देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं और उत्तर प्रदेश यहां पर निवेशक क्यों पहुंचे, यहां पर स्टार्टअप क्यों करें। अब मैं आपको दिखाऊं जो ये आगे आप देखिए, ये दिखाइए निजाम जी, ये जो LED स्क्रीन है इसमें MSME की बात की गई है, क्योंकि जो PM की स्किल मिशन स्कीम है उसके अंतर्गत यूपी का योगदान कैसे हो, या जो अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें सबसे अहम हो जाता है, सबसे पहले नंबर पर आता है मैन्युफैक्चरिंग, जो निवेशक यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि जो अलग अलग देशों के डेलीगेट्स हैं, 40 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स, 400 डेलीगेट्स की यहां पर मौजूदगी है, उनकी पहली पसंद है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरी पसंद की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि किसानों की आय को कैसे दोगुना करना है, इसकी ओर केंद्र सरकार काम कर रही है और यूपी सरकार भी काम कर रही है। तीसरी अगर हम पसंद की बात करें तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथी पसंद की अगर हम बात करें तो वो है टेक्सटाइल और पांचवी पसंद की अगर हम बात करें तो वो है पर्यटन। ये मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं, आंकड़े मैं आपको बता रही हूं और जो उम्मीद है उससे परे है, यानी कि उम्मीद की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि 7 लाख करोड़ का निवेश ये टारगेट रखा था, लेकिन जो परिणाम है वो उम्मीद से परे है। यहाँ पर 25 लाख करोड़ से ऊपर के MOU साइन होंगे। अब आप देखेंगे उस तरफ वो ये है और ये देखिए जो पूरा यहाँ पर ये वेलकम टू यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, इसमें एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटआउट है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जिनका काफी व्यस्त कार्यक्रम रहता है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये आप देखेंगे क्योंकि लखनऊ में यहाँ ये आयोजन हो रहा है, लेकिन लखनऊ में बैठे बैठे अयोध्या के दर्शन कर पाएं, मथुरा के दर्शन कर पाएं, भारत की संस्कृति को समझ पाएं। अब ये देखिए आई लव लखनऊ, ये भी यहाँ पर ये है, नगर निगम ने ये लगाया हुआ है क्योंकि लखनऊ जो कि नवाबों की नगरी है, लखनऊ जो अपनी नजाकत के लिए, लखनऊ वासियों का एक अलग
अपना अंदाज होता है, मिजाज होता है, और कैसे वो विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, कैसे वो वेलकम कर रहे हैं, और जो देश के निवेशक हैं, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं, उनमें गजब का उत्साह देखा जा रहा है। क्योंकि मैंने अयोध्या टेंट सिटी भी आपको दिखाई थी, यानी कि लखनऊ में बैठे बैठे आप भगवान राम के दर्शन कर पाए, और यहाँ पर जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसका मॉडल भी है, यानी कि भगवान राम भी है और उनका धाम भी है। अब ये मैं आपको एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर दिखाती हूँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। ये आप देखेंगे, ये यातायात पुलिस, ये बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। अंदर गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं है, हर किसी से यहाँ पर पास के बारे में पूछा जा रहा है, पुलिस की काफी ज्यादा मौजूदगी है। और किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि निजाम मेरे सहयोगी दिखाएंगे, अगर क्योंकि ज्यादा अंदर अगर हम जाएंगे तो टेक्निकल फॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है तो नेटवर्क नहीं आएगा। इधर से अगर आप शुरू करें तो वो पोस्टर से पता पड़ा है जहां तक नजर जा रही है, और जितने देशों के डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए हैं उनके यहाँ पर ये झंडे आगे तक लगाए गए हैं, और ये यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो है, उसके बाद G20 समिट भी है, यानी कि ये निवेश का मेला है। यहाँ पर देश भर के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारी खास बातें हैं, क्योंकि इसमें जो विदेशी मेहमान पहुंचे हैं उनके लिए खास व्यंजन भी बनाए गए हैं।